Hey guys, this is Simi Seed. Okay, I know channel ko bane hue kafi time ho gaya hai, but this is finally the video in which I am revealing that yes, I scored 200 on 200 in accountancy alone. Okay, so when it comes to accounts, right? यहाँ पे हम एकदम प्रैक्टिकल टेबल्स लाइंस जर्नल एंट्रीज से सीधा एमसीक्यू पे जब स्विच हो जाते हैं ना, ये जर्नी मेरे लिए भी बहुत ज्यादा अमेजिंग प्लस हार्ड थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था. आई वॉजंट एबल टू स्कोर गुड इन माई मार्क्स. मेरी फास्ट कैलकुलेशन यार, वेन यू एक्चुअली अपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ना, तो इट्स रियली डिफरेंट थिंग. एंड वेन यू एक्चुअली अपेयर फॉर अकाउंटेंसी CUET एग्जामिनेशन, इट्स डैम डिफरेंट थिंग. And so I just decided that in this particular video to share 5 major tips that helped me score 200 on 200, that's 100 percentile in accountancy. एकदम ढंग से बताऊं तो ये सारे 5 major जो भी tips हैं एकदम sequence wise and from the very core है. तो एक बार ढंग से इन सब की introspection करना कि क्या ये चीज जब आप पे लागू होती है तो actually में इसका क्या answer है. You will get to know it as soon as I share the tip. The first one is analyze your क्लास 12th की प्रिपरेशन. कितनी थी प्रिपरेशन, कैसे किया है, क्या कोचिंग का मेजर रोल था, या फिर क्या सेल्फ स्टडी ज्यादा थी, क्या यूट्यूब से ज्यादा पढ़ा था, या एट द वेरी एंड तक 2-3 बार रिविजन हो गई थी, या फिर एकदम एंड में सिलेबस खत्म हुआ, या फिर सिलेबस खत्म किए बिना ही यू अपीयर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम. एज सून एज यू आंसर दीज क्वेश्चंस ना, यू वुड बी मोर क्लियर अबाउट की तैयारी कैसी है अभी तक. इन दोनों ही केसेस में माई पर्सनल ओपिनियन इज स्टार्ट गिविंग मॉक्स एज सून एज यू स्टार्ट मॉक्स ना. अब यहाँ पे नॉट कॉन्फिडेंट वाले को भी एंड फुली कॉन्फिडेंट वाले को भी पता चलेगा कि मेरी तैयारी कितनी है एंड किस हिसाब से मेरे को और प्रोग्रेस करना है. ऑफकोर्स हम एक मॉक में ये जज नहीं कर सकते, बट आई एम सेइंग कि जस्ट ओपन दैट डोर एक बार. एंड एट लास्ट ना, तुम कितने भी यूट्यूब चैनल्स पे चले जाओ, तुम कितने भी टीचर से एडवाइस ले लो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हु नो बेटर अबाउट योर सेल्फ कि मुझे इतनी तैयारी की और जरूरत है. अगर मेरे को इतना इतना स्कोर करना है तो इस हिसाब से तो अभी तैयारी नहीं हो रही है, ठीक है. इट्स लिटरली यू. तो अभी सबसे फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोस्पेक्शन एंड एक बार अपना वो डोर खोलो वो मॉक देने वाला. सो माय सेकंड सजेशन वुड बी कि एमसीक्यू प्लस अकाउंट्स का कॉम्बो सीखो, ठीक है. इवन आई वी वंडर कि लाइक टीचर्स ने एक्चुअली में कैसे ही डिजाइन की है कि अकाउंट्स में भी दे आर एबल टू आस्क एमसीक्यू फॉर्म में चीजें, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. इट्स ऑल अबाउट कि कोई भी अप्रोप्रिएशन आती है, ठीक है, शेयर्स में कुछ भी नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली में कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स विच वर फोरफीटेड, नंबर ऑफ लाइक द डिस्काउंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, इन सारी की कैलकुलेशन हम कब करते थे ताकि हमारी एट द एंड ऑफ द डे एंट्री आ जाए, राइट. एंड वर्किंग नोट्स में उसका मायने होता था कहीं ना कहीं, बट एट लास्ट हमें एंट्री पास करने से मतलब था. यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है. यहाँ पे तुम्हारा वर्किंग नोट कितना फास्ट है एंड कितना एक्यूरेट है ये मैटर करता है. तो एमसीक्यू प्लस अकाउंट्स ये वाली चीज तुम्हारे दिमाग को हमें ट्रेन करनी है. कोई भी इस चीज के लिए कंफ्यूजन मत रखना कि लाइक हमें अकाउंट्स में एक्चुअली में अप्रोच क्या रखे. हम यही अप्रोच करना है कि एमसीक्यू एंड अकाउंट्स को एक्चुअली में साथ में कैसे लेके चले, ठीक है. एंड ये तुम्हें कैसे समझ आएगा, फर्दर टिप्स. लास्ट वीडियो में मैंने इंग्लिश के लिए काफी सारी चीजें बताई थी. अलॉन्ग विद दैट, सिंस आई हैव सम काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल, काफी बच्चे कह रहे थे कि ये स्टडी मटेरियल है, ये कौन सी बुक है आप बता दो, मैं खरीद लूंगा. इट्स नॉट एक्सेसिबल गाइज, मैं बता दूं, क्योंकि ये एक्चुअली में एक इंस्टीट्यूट ने कोर्स निकाला था जो मैंने बाय किया था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CUET, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट. तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आई एम शेयरिंग इट धीरे धीरे करके, बिकॉज आई नीड टू एकदम ऑर्गेनाइज इट. PDF वाइज मेरे को शेयर करना पड़ेगा, प्लस जो तुम्हारे कोर्स में आ रहा है. तो टाइम टू टाइम विद एवरी वीडियो I'll share some content. The link is in the description. You can check it out. It will be updated, and whenever it will be updated, I'll tell you. Keep a check on all the updates on my videos, everything, and you can subscribe to me site if you actually liked and you want to continue your CUET journey with me. Nextly, coming to tip number 3. Can you see something in my hand? Like, ye ek accounts. Like, can you see? Ha. So, ye ek accounts ka mock hai jo last year maine diya. These are 50 questions, जिसमें से 10 मैंने छोड़े हैं. एंड यहाँ पे भी questions हैं जो मेरे एक्चुअली में गलत है एंड मैंने छोड़ दिए. वैसे आई यूज टू अटेम्प्ट ऑल, ठीक है, क्योंकि जिनका आंसर आता था आई यूज टू डू, बट थोड़ा रियलिस्टिक करने के लिए आई स्टार्टेड लीविंग 10 questions एंड उसमें से जो भी गलत होते थे आई यूज टू इधर लिख देती थी. मैं एनालिसिस प्रॉपर करती थी. एंड ये एक पेज नहीं है, ये एक
ये एक लाइक एवरी डे आई यूज टू दिस इज द एनालिसिस, दिस इज द प्रॉपर एनालिसिस. मैंने कोई भी अगर गलती करी है तो सारी मिस्टेक्स, एंड यहाँ पे ग्रेजुअली एमसीक्यूज होते थे सब में, लाइक सब में. आई नेवर यूज टू अवॉइड, इवन दो मैं एनालिसिस ना करूँ एक दिन के लिए, बट मैं मॉक दे देती थी. तो आई होप लाइक, एंड ये सारा क्या है, जो जो टॉपिक्स मेरे वीक है आई हैव रिटन इट अच्छे से, एंड आई यूज टू रिवाइज इट एवरी डे. ये सारे एक्सप्लेनेशन है. And this. I've calculated my marks in every subject. जितने भी मेरे उस mock में बने होंगे. Out of 800, I scored 614 here. तो yeah, sad. ये वैसे काफी initial days का है. What I actually wanna show is tip number 3 is master the game of analysis. It doesn't matter तुमने कितने भी marks दिए हैं, ठीक है. But at the end of the day, अगर तुम उसे analyze नहीं कर रहे हो कि तुम्हारी mistakes क्या हो रही है, जो 10 question तुम छोड़ रहे हो वो क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है. तुम्हें हमेशा approach तो यार, मतलब मेरे को पता है ट्राई तो सब करते हैं, ठीक है, एंड कोशिश एकदम बेस्ट की होनी चाहिए. तो एट लास्ट ट्राई कि तुम जो पेपर में एक्चुअली 10 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो ना, वो इसलिए छोड़ के आ रहे हो क्योंकि तुम्हें बोला गया छोड़ने के लिए. तुम्हें आते सारे हैं, तुम सब पे कॉन्फिडेंट हो. तो ये चीज आती है एनालिसिस से. एज सून एज यू अटेम्प्ट दैट मॉक, इसी तरह राइट रॉन्ग कर देना. एंड इससे राइट रॉन्ग करने के बाद वो क्वेश्चन नोट डाउन करो जो तुमने छोड़े हैं, प्लस एक दो जो गलत हुए. उसके बाद एक प्रॉपर शीट में एनालिसिस करो उन सारे 10 क्वेश्चन का, कि भाई अगर ये आ भी जाए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो आंसर तो होना चाहिए ना लिखने के लिए. उन सबका आंसर लिखती थी मैं. एंड मैं बता रही हूँ, मैं क्या करती, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है. मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती यहाँ पे, क्योंकि कोई बोलता है इट्स इररिलेवेंट. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट इज इररिलेवेंट, जब तुम्हारा मेन मोटिव ही पढ़ना है, जब तुम्हारा मेन मोटिव ही सीयूईटी क्रैक करना है. व्हाई नॉट टू डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर इट. Of course, write the mistakes per subject, mistakes लिखो per subject, उन questions के answer लिखो जो तुम attempt नहीं कर पाए. And उसके बाद उन सबको डेली रीडिंग करना कि ओके ये मिस्टेक है, नो मैटर कितना भी बोरिंग लगे भाई. एंड वो क्वेश्चन जब तुम्हारे एक्चुअली सीयूईटी वाले अटेम्प्ट में आएगा ना, स्लॉट में बैठ के, दैट हैप्पीनेस टू एक्चुअली मार्क इट करेक्ट एंड गेटिंग फुल राइट. तो हमें 100% के हिसाब से सोचना है. दिस इज 100% वाला अप्रोच. अगर किसी को ये भी स्ट्रेसफुल लग रहा है या समथिंग लाइक दैट, टू द टिप नंबर 4, आई गेस यू शुड स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज दैट इज समथिंग कि तुम्हें एक आइडिया लगता है कि जिस एग्जाम के लिए तुम बैठने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए क्या लेके वेट कर रहा है, ठीक है. उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारी तैयारी कहाँ तक है. वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ टीजर, अ ट्रेलर, अ डेमो कि भाई कुछ ऐसा ही आने वाला है. छोटे मोटे चेंजेस इट्स ओके, वो हमें ये तैयारी का जो फेज है वो हमें उस चीज के लिए रेडी कराएंगे. बट द मेन थिंग हियर इज कि यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. सो द फिफ्थ टिप इज वेरी मच इंडिविजुअल, लाइक डिपेंड करता है. आई वुड सजेस्ट इज माइंड को ऑर्गेनाइज्ड चीजें एंड सेग्रीगेटेड चीजें काफी पसंद है. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड के हिसाब से कीप अ नोटबुक for attempting marks, keep a notebook where you'll analyze your mistakes and note down everything. Keep a notebook to take down notes. Take down notes is something ki jo tumhara topic actually mein uncovered hai, to uski tum video lectures dekh rahe ho, wo likh rahe ho, tumhe pata hai ki tum baar baar tumhe aake jaise national income ke golden rules ho gaye, right? Wo us notebook mein likho, notes wale notebook mein, kyunki tumhe baar baar aake revise karna hai use. Wahi tumhare marks mein jitni bhi mistakes hui hai wo tum second notebook mein likho, taki har din subah uth ke tum sabse pehle us notebook ko read karna, kuch nahi. Read it aloud and रात को सोते वक्त या फिर एक बार read it aloud. And हमारा first वाला जो है marks देने हैं, मतलब पता है last year मेरे को इसकी कदर नहीं थी, but अभी अभी हो रही है. ऐसे देख रही हूँ ना, तुम भी अपने juniors को दिखाना है, like मेहनत है, like every मेरे marks में I subject wise I used to score 200 on 200, but साथ में जब पांचों का मैं एकदम देती थी तो मैं 200 तक कभी नहीं पहुंच पाती थी. I was always like 780, 784, एक बार 794 से रह गया. बट ठीक है, वो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस जब हमें वापस मुड़ के दिखता है ना, तो लगता है हमें अंदर, क्योंकि मेरे पहले 500 पे स्कोर आ रहे होते थे जब मैं मॉक्स देती थी, 600 पे आए, फिर 700, 750 प्लस, 790 प्लस, बट 200 तक नहीं, राइट. तो एक चीज, एक डिप्रिवेशन रहना जरूरी होता है, एंड एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बनता है इन सारी चीजों से. सो आई होप ये सारी चीजें, लाइक यू नो, पता है अकाउंट्स में पढ़ाने का काम नहीं है मेरा, ठीक है. पढ़ तुमने बहुत लिया है. सीयूईटी के लिए ये चीजें यार बताने वाली नहीं है. तुम्हें खुद पता है कि एक सपोर्ट सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर दैन कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. क्योंकि ये सबसे फर्स्ट काइंड ऑफ एग्जाम होगा जिसके लिए तुम अपेयर हो रहे हो. और आई एम टेलिंग यू, इस चीज के लिए आई डोंट थिंक कोई ट्यूटर ढंग से बता सकता है, कोई टीचर, कोई एजेड, कोई सीनियर, जितना भी अच्छा हो भाई. मुझे पता है ना, मेरी क्लास के टीचर बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाते थे इस चीज में.
वही बता सकता है जो एक्चुअली में उस एग्जाम के लिए बैठा है, ठीक है। एंड सो आई एम हियर टू टेल यू, अगर अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर टिप्स अच्छे लगे हो, यूजफुल लगे हो, तो यू कैन सब्सक्राइब टू मी साइड। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, अपनी तैयारी कर लो। आई होप ऑल द टिप्स तुम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में अभी से लेके आओगे। आई नो थोड़ा सा टाइम है, अभी थोड़ा टाइम है, काफी बच्चे एक्टिव भी नहीं होंगे, बट इट्स टाइम टू एक्चुअली वेक अप एंड इन सारी चीजों से तुम रेडी हो जाओ, बाकी सब हो जाएगा, नो इश्यूज एट ऑल। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।